नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सर्व समाज बंधुत्व यात्रा मीरा चली सतगुरु के धाम की जिला आयोजन समिति एवं सामाजिक समरसता मंच की ओर से स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जगाधरी आयोजन समिति संरक्षक मुलक राज दुआ, बंधुत्व यात्रा के सह संयोजक सुरेंद्र कुमार, जगाधरी यात्रा संरक्षक तरुण डोगरा ने प्रेस वार्ता में संबोधित किया। सर्व समाज बंधुत्व यात्रा के प्रांत सह संयोजक सुरेंद्र ने कहा कि सर्व समाज बंधुत्व यात्रा मीरा चली सदगुरु के धाम सामाजिक एकता एवं समरस समाज का संकल्प लेकर मीराबाई जी की जन्मस्थली मेड़ता राजस्थान से 4 नवंबर को प्रारंभ होकर चक हकीम पंजाब हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ से होते हुए 4 दिसंबर को सदगुरु धाम श्री गुरु रविदास मंदिर कपाल मोचन में समाप्त होगी। इस यात्रा में सदगुरु रविदास जी, मीराबाई जी के साथ साथ भक्ति आंदोलन काल के संतों, गुरु साहिबानों और अन्य महापुरुषों के चित्र एवं दर्शनों की व्यवस्था रहेगी। यात्रा में जगत गुरु गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, संत कबीर जी, सदगुरु नामदेव जी, संत रामानंद जी, आदि गुरु, शंकराचार्य, भक्त पीपा जी महाराज, भक्त सेन जी महाराज आदि भक्ति आंदोलन काल के पूज्य संतों के चित्र एवं रथ रहेगा। ये यात्रा भक्ति आंदोलन काल के संतों और महापुरुषों का प्रेम, भाईचारा, अपनत्व, करुणा, दया, अहिंसा का संदेश लेकर समाज जागरण के लिए निकली है। इस यात्रा में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के 20 से अधिक संत चल रहे हैं, जिसमें बस में 1 रथ और 10 गाड़ियों का संतों का काफिला रहेगा। बंधुत्व यात्रा एक दिन में 3 भव्य मंचीय कार्यक्रम करेगी और रास्ते में स्थान स्थान पर स्वागत के कार्यक्रम रहेंगे। हरियाणा में यात्रा 27 नवंबर को अम्बाला शहर से प्रवेश करेगी। बंधुत्व यात्रा अम्बाला कैंट साहा, शहजादपुर, बरवाला, पंचकूला, कालका, रायपुर रानी, नारायणगढ़, मुलाना, बराड़ा में भव्य मंचीय कार्यक्रम करेगी और 1 दिसंबर को यमुनानगर जिला में प्रवेश करेगी। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। सभी आदरणीय मीडिया बंधुओं का अभिनंदन है, स्वागत है। हम सभी मिलते ही रहे हैं सब लोग तो, लेकिन आज जिस विशेष हेतु के लिए हम सब लोग यहाँ आपको बुलाया है तो वो है हमारी एक सामाजिक समरसता गतिविधि और सर्व समाज बंधुत्व यात्रा आयोजन समिति। इन दोनों ने मिलकर जो है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। एक हमारी जो यात्रा है मीरा चली सतगुरु के धाम सर्व समाज बंधुत्व यात्रा जो है वो हमारे इस नगर में आने वाली है। उस यात्रा के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। ये यात्रा क्या है, ये यात्रा जो है वो मीरा चली सतगुरु के धाम यानी मीरा जी का जो जन्म स्थान है मेड़ता राजस्थान, वहाँ से 4 नवंबर को प्रारंभ हुई है, उद्घाटन उसका हुआ है। और ये पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के 2 जिले और चंडीगढ़ और हरियाणा, हमारे हरियाणा के 3-4 जिले, ऐसे 4 जिलों को मिला के यात्रा जो है इन सब जिलों में रहने वाली है। और मीरा चली सतगुरु के धाम यानी कि मीरा जी के गुरु थे गुरु रविदास जी महाराज, ऐसे यहाँ पे कपाल मोचन में जो धाम है गुरु सतगुरु का धाम, श्री गुरु रविदास मंदिर धाम और संस्थान है बहुत बड़ा, वहाँ पे यात्रा का समापन कार्यक्रम है 4 दिसंबर को, तो उस वहाँ पे यात्रा समाप्त होगी। तो ये जो यात्रा है ये भक्ति आंदोलन के जो संत हुए हैं, भक्ति आंदोलन काल जिस जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके साथ आंदोलन जुड़ा हुआ है। और ये आंदोलन इसलिए जुड़ा हुआ है कि उस समय जो संत थे उन्होंने मुगल काल में जो मुगल शासक थे उनके खिलाफ जो है जन जागरण करने के लिए ये सारा संत समाज खड़ा हो गया था उस समय। तो ये सभी संत जो है भक्ति आंदोलन के ऐसे 52 संत हैं उत्तर भारत के, तो उन 52 संतों की यात्रा है। और उन 52 संतों में भी जो है हमने प्रमुख संत जो है भक्ति आंदोलन के और अन्य महापुरुष जो है उनको लेके इस यात्रा का आयोजन किया है। उसमें जो है सतगुरु बाबा नामदेव जी महाराज है, संत रामानंद जी महाराज है, उनका रामानंद संप्रदाय है उस समय का पूरा बड़ा, जिन्होंने भक्ति काल में जो है आंदोलन में उस सारा जन जागरण अभियान चलाया। आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, सतगुरु कबीरदास जी हैं, गोस्वामी नाभादास जी हैं, सतगुरु भगत धन्ना जाट जी हैं, भगत सैन जी महाराज हैं, भगत पीपा जी महाराज हैं और इसके अतिरिक्त और भी भक्ति आंदोलन काल के संत। और उस समय जब इस भक्ति आंदोलन को हम पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है तो ये किस प्रकार का उस समय इन संतों ने पूरे समाज का जागरण किया, यानी कि हर भिन्न भिन्न जाति बिरादरी में ये लोग पैदा हुए सारे संत। और इन सब संतों ने जो है
उस समय जो है, उस समय के शासकों से जो है, इब्राहिम लोदी है, बाकी मुगल शासक रहे, समय समय में जो है ये जो 50-60 साल का वर्ष है भक्ति काल का, उसमें पूरे समाज को जन जागरण करते हुए समाज को खड़ा कर दिया। हमारा जो समाज था, जिसको हम भारतीय समाज कहते हैं, ये समाज जो है स्वाभिमान विहीन हो गया और आत्म विहीन हो गया। तो ऐसे समाज को जो है जागरण करने के लिए, उस समाज को कैसे आत्म सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ा किया जाए, उसके लिए इन सब संतों ने जो है समाज का जागरण किया और भक्ति के माध्यम से एक नई अलग जगाई समाज में, और सारा जो हिंदू समाज है उसको खड़ा कर दिया नव चेतना के साथ। और नई चेतना जब समाज में आई तो इसके बाद भगत कबीरदास जी को आप पढ़ लीजिए, सतगुरु रविदास जी को आप पढ़ लीजिए, धन्ना जाट जी को आप पढ़ लीजिए, भगत सैन जी को पढ़ लीजिए, ये सब संत जो है समाज को, इन्होंने ऐसी भक्ति धाराएं, आज भी हम साहित्य पढ़ते हैं, मीरा जी का साहित्य पढ़ते हैं, तो मीरा जी के साहित्य को वहां पर यात्रा का स्वागत होगा। और उसके पश्चात ये यात्रा चूना भट्टी, हनुमान गेट, प्रकाश चौक और चौक बाजार, खेड़ा मंदिर, पत्थरवाला बाजार, स्कूल रोड, मटका चौक, अगरसन चौक से होती हुई सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचेगी। वहाँ पर मंच का कार्यक्रम होगा जिसमें संत अपना प्रवचन रखेंगे। वो कार्यक्रम 6 बजे प्रारंभ होगा और लगभग 7:30 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा। 7:30 बजे जितने भी वहाँ बंधु आए हुए होंगे उस कार्यक्रम को सुनने के लिए, देखने के लिए, उन सबको भोजन प्रसाद दिया जाएगा, भोजन होगा। और जितने संत उस यात्रा के साथ हैं उनका रात्रि विश्राम वहीं सरस्वती स्कूल में होगा। अगले दिन यह यात्रा वहाँ से प्रातः छिछोली जाएगी। नगर में इस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा और हम नगर में प्रयास कर रहे हैं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं और समाज के बंधु हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो उस यात्रा को देखने के लिए, इस यात्रा में संतों के विचार सुनने के लिए शाम को 6 बजे सरस्वती विद्या मंदिर पहुँचे, यात्रा के साथ भी चले, एक भव्य स्वरूप दें यात्रा को, ताकि रहे कि यात्रा का बड़ा अच्छा सुंदर स्वागत हुआ है इस शहर के अंदर। उसके लिए हम नगर में कुछ बैनर भी लगा रहे हैं, होर्डिंग भी लगा रहे हैं और हमने एक सूची बनाई है सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की, उनसे सब मिलेंगे और मिलकर उनसे निवेदन करेंगे कि इस यात्रा में वो शामिल हो, यात्रा को भव्य स्वरूप दें। और जो एक जिस उद्देश्य के लिए यात्रा शुरू की गई है कि सब समाज में, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, सब समाज समान है, उसका एक अच्छा दृश्य वहाँ उपस्थित हो, इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।